बहुजन समाज पार्टी हमारी एक ऐसी पार्टी है जो गरीब दल मजलूम दबले कुचले समाज जिनको हक का अधिकार दिलाने की बात बहुजन समाज पार्टी का मिशन मूवमेंट है। ये पार्टी हमारी बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट पे चलने वाली पार्टी है और चल रही है। जैसा कि मैं एक थोड़ी सी जिक्र कर रहा हूँ अन्य पार्टियों की, जो पार्टी सबसे पहले सत्ता में रही है कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी की नीति हमारे बहुजन एससी और ओबीसी को हक का अधिकार देने वाली पार्टी नहीं थी, इसलिए ये पार्टी ध्वस्त हुई है और बहुजन समाज पार्टी इस भारत देश के अंदर जो है बढ़ रही है और वो गरीब दलित मजलूम समाज इस बहुजन समाज पार्टी को अपने आगे करेंगे और अपने हक अधिकार की लड़ाई करेंगे और माननीय अपनी बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और अपना आगे विकास और भला करेंगे हम। और इन पार्टियों से हमारा विश्वास उठ चुका है और हमारे समाज का विश्वास उठ चुका है। जैसे थोड़ी सी बात मैं कांग्रेस पार्टी की कर रहा हूँ, सर्वप्रथम पहले सत्ता में कांग्रेस पार्टी आई थी, उस समय परम पूज बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 27% आरक्षण ओबीसी को दिया था, लेकिन वो उस समय कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्वप्रथम पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनकी सोच ओबीसी को 27% आरक्षण देने की नहीं थी, उन्होंने ना दिया था। और ओबीसी के लोगों को अभी ये पता नहीं है कि हमारा असली हितेशी को है और हमारा असली रहनुमा को है, वो अपने दुश्मन को ही अपना मान बैठे हैं और बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को नहीं समझ रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण है कि 27% आरक्षण जब बाबा साहब लिख के गए हैं तो वो 27% आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने उचित नहीं समझा। उस समय उनको यानी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक राजनीतिक था, वो राजनीति जानता था, तो उसने जो है ओबीसी को 27% आरक्षण देना उचित नहीं समझा और उनको जो है बहकाने के लिए लुभाने के लिए एक काका केलकर आयोग बैठा रहा था विज्ञान भवन में कि चलो उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, हम आपको 27% आरक्षण दे देंगे। वो 27% आरक्षण की बात को लेके आयोग 17 साल बैठा रहा, जब से कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई सलूशन नहीं निकला और इतने में वो जो है सरकार में गिर गए, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ख़त्म हो गए और मतलब वो बात वहीं की वहीं लटकी गई, उनको कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर इनके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, वो थोड़ी दिन के लिए हुए थे, मतलब तो कोई वही फैसला नहीं हुआ। इसके बाद शास्त्री के पास उनकी बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने भी अपने पिता के तौर पर शासन चलाते हुए उनको लुभाने के लिए कहा था कि हम तुम्हारे लिए जो है यानी वो बैठाएंगे क्या नाम कमिश्नर, मतलब जो जैसे कहते हैं मतलब वो ये कि हमने तुमको बैठा दिया, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो आपको जो है हम 27% आरक्षण दे देंगे, लेकिन वो भी कमिश्नर रिपोर्ट नहीं आई है और उनको वो लाभ नहीं मिला है जी। माननीय कांशीराम जी ने इस बहुजन समाज को वो एक दिशा दी है, वो एक प्लेटफॉर्म दिया है जिससे हमारा बहुजन समाज पार्टी यानी ये बहुजन समाज पार्टी ये गूंगा बहरा अंधा पार्टी समाज था, इसको एक ऐसी जान फूकी है जो आज हम अपने हक अधिकार की बात और जो है ये सत्ताधारी पार्टियों से कर रहे हैं, भूल रहे हैं। तो ऐसा प्लेटफॉर्म है माननीय कांशीराम जी ने दिया है जिससे हम अपना हक अधिकार की बात जो है कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और उस प्लेटफॉर्म पर चढ़ के हमारी बहुजन समाज पार्टी बनी है जिससे हम अपनी सत्ता हासिल कर सकते हैं, अपना भला कर सकते हैं इस देश में, यानी अपनी कानून व्यवस्था को सुधार सकते हैं। माननीय कांशीराम जी का दिया हुआ हमारा ये रास्ता है और इसका नेतृत्व हमारी बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं और वो पूरी सोच के साथ लगी हुई हैं, उसके साथ हम पूरा बहुजन समाज पार्टी अपनी बहन जी को जो है प्रधानमंत्री बनाने के इच्छुक में है। जब तक हमारी बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बनेगी हम लोग संघर्ष करेंगे, मूवमेंट में रहेंगे और अपनी माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।